बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, थोड़ा सा नमक लें और उसमें मामूली मकदार सरसों का तेल शामिल करें और इसे दांतों को साफ करें, यानी मंजन का काम लें नमक और सरसों के तेल के साथ। तो इसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ये आसान सा एक टोटका है, आसान सा एक नुस्खा है। इससे दांतों की मैल कुचैल जो है वो दूर होगी, दांत साफ होंगे, दांतों दांत चमकदार रहेंगे, उनमें किसी किस्म की बुलाहट वगैरह जो है वो नहीं रहेगी। इसके साथ साथ मसूड़ों से अगर खून बहता हो, पीप सी महसूस होती हो जिसकी वजह से मसूड़े जो हैं वो दर्द करते हों, तो इस सूरत में भी ये जो आसान सा मंजन जो है ये बहुत मुफीद साबित होगा। इसे दांतों से खून बहना ख़त्म होगा और पीप वगैरह अगर दांतों में मसूड़ों में अगर बड़ी होगी तो उसका भी इजाला होगा। ख़ास तौर पर इस ये जो एक तरह का मंजन है, इससे फ़ायदा बहुत बड़ा फ़ायदा तो इसका ये होगा कि इससे एक तो दांत साफ होंगे, चमकदार होंगे, और दूसरा मुंह से अगर बदबू वगैरह आती हो तो इसके इस्तेमाल से ये शिकायत भी दूर होगी। आसान सा टोटका है, आसान सा नुस्खा है। किचन से ये दोनों चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी, दोनों चीज़ें ही, यानी नमक भी और सरसों का तेल भी, और फौरी तौर पर ये काबिल इस्तेमाल आने वाला एक नुस्खा है, एक टोटका है, और एक बड़ा मुफीद मंजन एक साबित होगा दांतों को साफ रखने के लिए। और मसूड़ों से खून बहता हो तो इस तकलीफ़ को दूर करने के लिए, और मुंह से नागवार सी स्मेल आती हो, बदबू आती हो, तो उसके अदाला में भी ये टोटका, ये नुस्खा बहुत मुफीद साबित होगा। इसको इस्तेमाल में लाएं, इंशाल्लाह ज़रूर आप इसको मुफीद पाएंगे। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।